तो सब बच्चों लोग को अगेन वेरी लेट गुड इवनिंग, एंड आई होप आप सारे बच्चे बहुत अच्छे हो और अपना ख्याल रखो, ठीक है ना। तो गुड इवनिंग सर। जैसे बच्चे आपको पता होगा, हम यहाँ पे बहुत रिग्रेसिवली हम यहाँ पे टॉपिक को रिवाइज कर रहे हैं, और मोटिव बच्चा ये सिंपल सी बात पूछो कि आप सब बच्चों लोग का जेई एग्जाम प्रॉपरली क्वालिफाई हो जाए और आपका अच्छा मार्क्स भी आ जाए, ठीक है ना। दूसरा बात भाई बच्चों, हम यहाँ पे अभी केमिकल इक्विलिब्रियम ने यहाँ पे टॉपिक हमने खत्म कर दिया आज भी बच्चों आप। हाय अरमान बेटा, आज भी आप जो हमने जितना भी क्वेश्चन किया बच्चों, इसका मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन आपका छूट गया तो बच्चों उसका सोल्यूशन उसके अंदर ही है, आपको खुद से बात दिखना, ठीक है ना। अब देखो बच्चो, ये आपका पहला क्वेश्चन जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, ये देखो क्या निकाला बच्चों, निकाला देखो, आपके पास तीनों क्वेश्चन दिया, PCL 5 PCL क्वेश्चन दिया बच्चों, आपको निकालना है केसी का वैल्यू। तो बच्चों इस इक्वेशन के लिए आपको केसी का वैल्यू निकालना है, और बच्चों मैंने यहाँ पे पोल को लॉन्च कर दिया है, आप सारे बच्चे पोल में इसका दे सकते हैं। तो बच्चों केसी कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, कैसे निकले बच्चों बोलेंगे, आप बोलोगे जो भी आपका प्रोडक्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसका स्टोकियोमेट्रिक का जो पावर होता है अपॉन एन अपॉन रिएक्टेंट का स्टोकियोमेट्रिक पावर एन, जो भी उसका पावर होगा और जितने भी आपके प्रोडक्ट में होगा वैसे बच्चों आप यहाँ पे ऐसे करते हो, और सबका कंसंट्रेशन दिया गया, देखिए यहाँ पे आपका सबका कंसेंट दिया गया, और यहाँ पे बच्चों इसका आपको आंसर निकाल, कम ऑन सारे बच्चे स्टार्ट करो, कैंसर है, कैंसर है इसका। बच्चों हर क्वेश्चन को आपको 2 से 3 मिनट खत्म कर देना है, अगर आपको उस टाइम पे खत्म नहीं होता, अगर आप एंड पहुंचे तो 4 मिनट दे जाओ, अदरवाइज मत जाओ, और फिर उसको थोड़ा फास्ट कुछ करो नोटबुक के अंदर। सर अगेन बोल रहा हूँ, क्या है जिस बच्चे ने वोट डाला उसका रॉन्ग आंसर है। मैं ही था वो। रॉन्ग आंसर इसलिए बोल रहा हूँ, सोच समझ के आराम से यूनिट को देख के वोट डन करो। लग गई सर गलती बता। ओके, 4 बच्चे ने वोट डाउन किया अभी तक और एक का सही है, अभी 5 हो गए होने। 5 हो गया, 5 में से अभी भी एक का सही है, बाकी 4 गलत है। छह वोट आ गए, 6 में 9 वोट आ गए, 9 में से 2 का सही है, बाकी 7 लोग का गलत है। मैं समझ गया यहाँ पे आप क्या मिस्टेक कर रहे हो, आप जो मिस्टेक हो मैं समझ गया क्या मिस्टेक कर रहे हो आप, मुझे भी लग गया पता, सभी एक ही गलती कर रहे हैं। सब लोग यही गलती कर रहे हैं इसलिए दिख रहे हैं। 11 वोट आ गए, 11 में से 12 वोट आ गए, 12 में से 3 सही है, बाकी लोग गलत है, मतलब कि वही गलती बार बार बच्चे कर रहे हैं। बच्चों लास्ट 1 मिनट, लास्ट 30 सेकंड्स, फिर मैं पोल कंड करूंगा। ओके, तो बच्चों मैं यहाँ पे पोल को अभी यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, सर 10 सेकंड रुको। पोल एंड। ओके वो डन हो गया है, कोई बात नहीं, 4 सही है बाकी लोगों का गलत है, ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं, फाइन। अब बच्चों देखो अभी हम इसका सही आंसर वालों करते से हैं, पूछो सर। सही ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब तब उनकी देखो हैंड रेज करा, उनसे पूछो सर। ठीक है ना, अब बच्चों यहाँ पे देखो हमने ये पार्ट कैसे कह दिया, ये देखो ठीक है ना, प्लॉट में क्या गया बच्चों, PCl3 और Cl2 यहाँ पे दिया गया, तो 1.2 × 1.2 लिख देता हूँ, और जो उसका पावर बच्चों उसको मैं यहाँ पे देता हूँ, और 1 1 स्ट्रोक में तो सबका सेम होगा, डिवाइड बाय, फिर बच्चों क्या आएगा 0.8 × 10 पावर -3। अब बच्चों तो क्या होगा, देखो ये और ये कट जाएगा, तो बच्चों पावर क्या बचेगा, 10 टू पावर -3 बनेगा,
मेरा ऑप्शन नहीं है और ये तो मेरा नहीं आने वाला, जो माइनस के ऊपर आ रहा है। 1.2 × 1.2 डिवाइड बाय 0.8, इसको आप सॉल्व करो तो आपका आंसर आएगा 1.8 आपका आंसर आएगा। और भाई क्या बच्चों, 10 − 3 ये आ गया। तो बच्चे क्या करेंगे, जैसा आंसर देखा ऑप्शन सी को टिक लगाएंगे। लेकिन बच्चों ये तो, ये भी तो देखो कि यूनिट क्या है, मोल पर लीटर है। ऊपर क्या बच्चों, ऊपर आप न्यूमिटर में आपका 2 मोल पर लीटर है, डिनोमिटर में 1 मोल। तो बच्चे क्या होगा, एक और एक कैंसिल हो जाएगा। क्या बच्चे, बच्चों बचेगा मोल इंटू लीटर इनवर्स आएगा। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपका मोल इंटू लीटर इनवर्स आएगा। यहाँ पे क्या है बच्चों, लीटर मोल इनवर्स है, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। आप बोलोगे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और बच्चों जे भी ऐसे ही आपको टिक लगेगा, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। लेकिन तो यूनिट ही नहीं दिए थे, ऑप्शन क्या क्या बोला बच्चा आपने, या मैंने? बी में तो यूनिट ही नहीं दिए थे। हाँ हाँ तो लेकिन बाकी सारे तो रहोगे ना, तो मतलब बी इज द राइट आंसर आएगा। तो थोड़ा सा आप, अगर सर इधर यूनिट चेंज हो तो नहीं, यूनिट चेंज होता है यहाँ पे आपके, ना यूनिट ऐड करना भूल गया होगा। यहाँ पे एक्चुअली मोल इनटू लीटर इनवर्स आएगा ही आएगा, मतलब अपनी मर्जी से कुछ भी। है ना? तो ये आपको समझना है, सर आप एक पांचवा ऑप्शन डाल देते, नन ऑफ दीज का सबसे ठीक है? तो बच्चों ऐसे आपको, ही था सर, ऐसे बच्चों देखो आपको सर एग्जाम करना, ठीक है? ऐसा आपको एग्जाम करना है, सर ऐसे एक बार इस क्वेश्चन क्वेश्चन को दोबारा समराइज कर दोगे? मल्टीपल से तो समझ में आ गया है ना। अब मैं आपको यूनिट की बात करता हूँ, देखो। अच्छा पूरा समराइज करें तो पूरा कर देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कैसे कैसे निकालेंगे, कंसेंट रेशियो PCl3 Cl2 डिवाइडेड PCl5 है ना। PCl5 अब जो भी उसका यूनिट है उसको एक बार यूनिट लेते हैं। यहाँ पे मोल इंटू लीटर इनवर्स है, न्यूमिरेटर पे 2 आएगा बच्चों, बिकॉज दोनों का वैल्यू सेम है। मोल इंटू लीटर इनवर्स का स्क्वायर, ये और ये कट गया, मतलब कि यहाँ पे इनिशियल कट गया। क्या बचा, मोल इंटू लीटर इनवर्स बचा। अब बच्चों क्या बच्चों, पीसीएल वैल्यू, ये PCl3 का वैल्यू है, ये Cl2 का वैल्यू है, और इसका पावर मैंने यहाँ लिख दिया है, डिनोटर ये पार्ट, और बच्चों यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दिया है। आ गया आपका आंसर ऑप्शन बी। यस सर, आ गया समझ। अब देखो बच्चों हम अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब बच्चा इसके लिए मैं आपको पोल ले दूंगा, ठीक है ना? ये देखो क्या बोला बच्चों, क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन देखो क्या बोला है। देखो कि अगर ये मेरा रिएक्शन है, अगर मेरा N2+3 इक्वेशन है, इसका ये आपका केसी है, इसका क्या बना बच्चों, इसका आपका केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बना। तो अगर इन सारे इक्वेशन का केसी क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो मैं चाहता हूं बच्चों पहला आप सेकंड वाला कीजिए, सेकंड का कौन सा ऑप्शन आएगा ABCD में से? सर सी वाला आएगा, यस सर सी आएगा। क्या सबको समझ में आ रहा है सी क्यों आएगा? बाकी सारे बच्चे नमित, शिवांश ठाकुर, निशु, ऋषिका, त्रिशु, यस साइमा, बाकी सारे बच्चे साजिया या कशिश। देखो अगर, देखो अगर ये मेरे क्वेश्चन, सी अगर वाला आपने एक, अगर आप उसको रिवर्स कर दो तो बच्चों ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो क्या बोलोगे बच्चों, 2 का आपका आएगा सी आएगा। अब देखो तीसरे का बी आएगा, अगर हम पहले वाले की बात सोचें, पहले का डी आएगा। पहले वाले में क्या, दो बच्चों देखो ये आपका इक्वेशन है, इस इक्वेशन में क्या क्या बच्चों, क्या क्या देखो, मैंने यहाँ पे खाली 2 को, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बच्चों क्या होगा बच्चों, यस सर, जो भी उसका बच्चों ये उसके पावर में चल जाएगा, मतलब कि यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे उसका स्क्वायर बन जाएगा। यस सर, यहाँ पे उसके बच्चों क्या हो, यहाँ पे आपका केसी का स्क्वायर हो जाएगा। तीसरे बच्चों मैंने क्या किया बच्चों, मैंने इक्वेशन को डिवाइड बाय 2 कर दिया है, डिवाइड बाय 1/2 कर दिया, हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बच्चे होगा ये उसके ये चला, तो क्या बचेगा, सी का ये आएगा और पहले का आपका ये आ गया आपका आंसर। तो कभी कभी बच्चों एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। अदिति समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? साजिया, टीना, एक बार कर दो इसे एक्सप्लेन दोबारा। ठीक है फाइन।
अब देखो मैं आपको तीसरा वाला बता रहा हूँ, ठीक है ना, ये ध्यान देना। मेरा एक क्वेश्चन क्या बच्चों, एन बाई टू एन टू प्लस थ्री एच टू, या आपके इक्विलिब्रियम है टू एन एच थ्री के साथ। अगर मैं इस इक्वेशन को क्या करता हूँ, मैं डिवाइड बाय टू कर देता हूँ, तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, है ना, यहाँ पे 3/2 आ जाएगा, और यहाँ पे 2/2 मतलब क्या, यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा। आएगी नहीं आएगा दीदी? यस सर, तो क्या मेरा ये क्वेश्चन बन रहा है? यस सर, हाँ ये बना। तो मैंने बच्चे क्या बोलता, बच्चों को तो बोला था कि अगर पहला लाइक क्वेश्चन केसी है, तो अभी आपने क्या बच्चों, आपने क्वेश्चन 1/2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो केसी हो चुका होगा, केस जो भी आपने स्टूडेंट मल्टीप्लाई किया बच्चों, वो उसके पावर में चला जाएगा। यस सर, तो ये देखो ये इसके पावर में चला, जिस जो भी किया बच्चों उसके पावर में चला गया। आपने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो बच्चों ये इसके पावर में चला गया, जो भी आप स्टूडेंट लोगे उसके पावर में चला जाएगा। और प्रश्न हो गया आपका आंसर? यस सर, जिया जैसिका, जैसिका सर क्या हो, कुछ बोलती नहीं है। राहुल, नीति, रश्मि, यस तन्वी, सर, ये सब थोड़ी बोलना, मैंने बोला, यस सर, मैं बोल रहा कि आप रिस्पॉन्स की नजर एकदम शांत से बैठे हुए, ऐसा मैंने कहा। हैं? चलिए कोई नहीं, जोक सर बच्चों। तो बच्चों ये हमने क्वेश्चन कर लिया। देखो बच्चों अभी आपका जेडलो क्वेश्चन ये भी हमने कर लिया था, ठीक है ना। अब देखो ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया था, क्या सबको क्वेश्चन दिख रहे हैं सारे बच्चे? यस जी सारे बच्चे ये क्वेश्चन भी करने कोशिश करेंगे, ठीक है ना, सारे बच्चे इस क्वेश्चन को करने कोशिश करेंगे। या ये इस एग्जाम का लेटेस्ट क्वेश्चन है, केपी का वैल्यू दिया गया है, आपको चाहिए केसी का वैल्यू निकालना है। पावर क्या बच्चों? 10^13 में आना चाहिए आसपास। हार्ड नहीं है, सिंपल इक्वेशन है, निकालो। सबसे पहले आपको हिंट दूंगा मैं कि मेरा इक्वेशन क्या बनेगा। तो आप ये बोलोगे केपी इज इक्वल टू केसी आर टी के पावर डेल्टा डेल्टा एन का। जी, निकालो बच्चों, इस इक्वेशन को यूज करके आप डेल्टा एनजी निकालिए। सबसे पहला मुझे डेल्टा एन जी की वैल्यू बताए कितना आ रहा है। -1/2 -1/2, सर, ये सुबह कराया तो था, यस इसका सर, आंसर 1 है ना है इसका हाँ, लेकिन बाकी सारे बच्चे तो नहीं थे ना। सर, उसका आंसर आया था 0.99 पर उसको हमने एप्रोक्स ले लिया था वरना। अरे हाँ, यस सर, मतलब कि सुबह जो क्लास हुआ था उस क्लास में कितने बच्चे थे? कम बच्चे थे। बारह, यहाँ पे ज्यादा बच्चे हैं ना, तो यस सर, बाकी सब बच्चों तो कराना पड़ेगा, नहीं कराना पड़ेगा? यस सर, यस सर, यस सर, करा दो बेचारे बाकी बच्चों का भला हो जाएगा। अरे हाँ, बाकी बच्चों में ये केशव वाला अपना लेते देना ही अपना नहीं है, आप तो कुछ केशव बोलोगे अपना अपने। भला कराना चाहता है बीच में। और बच्चों तो सारे बच्चे ध्यान नहीं थे, अदिति सारे बच्चे ध्यान दे, जो नए नए बच्चे उसको ध्यान दे रहे ना, तो बाकी जो नहीं, जिसको नहीं बता। देखो डेल्टा जी किस निकलेंगे, प्रोड प्रोड में कितना मोल है बच्चों? प्रोड में आपका 1 मोल है, 1 मोल है, इसमें माइनस 3/2 रिएक्टेंट, यहाँ पे 1 है और प्लस 1/2 होता है क्या, ये आपका 3/2, 3/2, 1 + 1/2, तो -3/2 करेंगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो इसका आंसर जो है -1/2। सिंपल सी बात है। अब बच्चों ये बात है, अब बच्चों ये भी बात ध्यान दो, यहाँ पे आपका डेल्टा एनजी वैल्यू कैसा बच्चों, ये आपका लेस है, ये आपका लेस देन, लेस मतलब कि छोटा है 1 से। तो हम क्या जानते बच्चों, हमें जानते हैं केपी की वैल्यू ज्यादा होगी केसी से, है ना। तो एक क्वेश्चन बच्चों क्या बच्चों, ये क्वेश्चन आप पुट करो यहाँ पे, आप यहाँ पे आप -1 पुट करो, -1 पुट करो, इसको नीचे लेके जाओ, तो आपको एक क्वेश्चन बच्चों कैसा बनेगा, केसी बच्चों क्या बनेगा, के पी आर टी के पावर हाफ। सारा वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे दिया गया है केपी का वैल्यू ये है, आर का वैल्यू ये है, टेम्परेचर आपका दिया है 27, मतलब क्या हो बच्चों, ये होगा आपका होगा 300 केल्विन,
और उसको बटी पे तो आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आपका इसका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आपको इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आता है जब हम उल्टी सुबह कहते हैं, इसका आंसर आता है 99 समथिंग आता है। तो हम इसको राउंड ऑफ करके 1 लेके आते हैं। देखो ये रहा, ऐसे बच्चा हम क्वेश्चन करते हैं, खाली एक क्वेश्चन यूज किया है। देखो तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया। तो देखो जेई में ऐसे क्वेश्चन, इसलिए बोल दो ऐसे क्वेश्चन करने में थोड़ा टाइम जाएगा, मल्टीप्लीकेशन करने में थोड़ा टाइम जाएगा, लास्ट में करना, इनिशियल टाइम पे मत करना। हाँ फॉर्मूला लिख के रख देना, क्या है ना, फॉर्मूला लिख के छोड़ देना। देखिए बच्चों जब आप लास्ट पे हो तो आप खाली मल्टीप्लाई करोगे, जो भी आपको न्यूमेरिकल आपको लगा, अगर आपको लगे इसका मुझे फॉर्म पता है मल्टीप्लाई में, क्या करना बच्चों, फॉर्म लिखना और निकल जाना, हो गया आपके बाद आ जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। बच्चों आगे मत, आगे बढ़ देखो, ये क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों, देखो यस सर, यस सर जी। अब बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार है, बिकॉज ऐसे सेम क्वेश्चन आपको पूछा गया था आपके टेस्ट के अंदर, टेस्ट में है ना। तो देखो बच्चों, देखो जब भी आपको डिग्री ऑफ डिसीजन आई है, ये क्या होता है बच्चों, ये होता है अल्फा, अल्फा आता है। तो बच्चों कैसे करेंगे ध्यान समझो, देखो ए है इक्विलिब्रियम विद 2b से, तो बच्चों क्या होगा, आप बच्चों ये बोलोगे जब टाइम टी ओ जीरो था तो ये क्या था बच्चों, ये था आपका, अब बच्चों मान के चलो ये आपका होगा बच्चों, होगा n इंटू अल्फा, n क्या बच्चों आपका, n क्या बच्चों आपका n होगा, और बच्चों ये आपका जीरो बनेगा, यहाँ पे आपके आप यहाँ सी लिख दो, सी ज्यादा, सी मतलब कंसंट्रेशन ज्यादा अच्छा रहेगा करने में। टाइम टी बच्चों क्या बनेगा, आप बोलोगे ए से कुछ माइनस हो बच्चों का, सी माइनस सी अल्फा हो जाएगा, यस सर। और यहाँ पे क्या बच्चों लिखा है, यहाँ पे लिखा है टू सी अल्फा, सी अल्फा बनेगा, तो कॉमन आएगा, तो कॉमन क्या आएगा, सी वन माइनस अल्फा होगा। तो बच्चों इसका हम केपी कैसे निकालेंगे, ये बच्चा इधर, ये क्या बच्चों केपी वाला पार्ट है, ये क्या बच्चों ये आपका केपी वाला पार्ट है, मतलब पार्शियल प्रेशर की बात करते हैं बच्चों। तो बेसिकली बच्चों यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे प्रेशर आ जाए, टर्म आ जाना चाहिए, कोई बात है, वो भी बच्चों हम करेंगे। तो टाइम टी पे कितना है बच्चों, देखो इतना पार्ट है, ये पार्ट है और ये पार्ट है। एक काम करते हैं, जो हमने यहाँ पे सी लिखा है हम उसे प्रेशर से चेंज करते हैं, किसे चेंज कर बच्चों, हम उसे प्रेशर से चेंज कर देंगे। तो यहाँ पी डाल दो और यहाँ पे आपका पी डाल दो, डल गया, तो दिक्कत बच्चों देखो जरा, नहीं ना जी, यस। तो इसका बच्चों हम केपी कैसे निकालेंगे, आप बोलोगे टू पी अल्फा का स्क्वायर अपॉन पी वन माइनस अल्फा, ऐसा बच्चों करेंगे, इससे क्वेश्चन का आएगा बच्चों, हाँ या ना, yes, है ना, ऐसे बच्चों हम करेंगे। अब बच्चों तो यहाँ पे बच्चों क्या दिया बच्चों, यहाँ पे हमने चाहिए था KP1, मतलब मुझे P1 चाहिए, P1 बच्चों क्या होता है, देखो अगर आपको पता होगा हमने क्वेश्चन दिया बच्चों, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू P टोटल, याद है कि नहीं याद है बच्चों, क्या आपने क्वेश्चन ये पहले पढ़ा, पहले कहीं पढ़ा ये क्वेश्चन, हाँ या ना, sorry सॉल्यूशन चैप्टर जी, एकदम से बोला आपने, एक क्वेश्चन पढ़ा है। तो यहाँ पे तो पी है बच्चों, तो बच्चों दो सेम ऐसे ही आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा इसके लिए, सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपको बनाना है इसके लिए। तो बच्चों क्या, सॉरी ओके, ये आपका केपी टू है, ये टू, ये आपका केपी वन है। तो एक क्वेश्चन बच्चों कैसे बनेगा बच्चों, सेम ऐसे इसी पे बनेगा बच्चों, बनेगा देखो क्या होगा, P 1 माइनस अल्फा P
बच्चे क्या बनेगा बच्चों, पी अल्फा, पी अल्फा और अगेन पी अल्फा, क्यों बच्चों यहाँ पे खाली वन वन स्टोइकोमेट्री है। ठीक है सारे बच्चे, यस सर। अगर मेरे प्यारे बच्चों कि आपको ये पार्ट समझ में आ रहा है कि नहीं, बिकॉज इम्पोर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन अगर आपको आ रहा है तो बच्चों ये आपको पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला भी तो बच्चों हमने यूज नहीं किया, क्यों बच्चों, बिकॉज हमने यहाँ पे तक मोल फ्रैक्शन नहीं निकाला है। तो बच्चा आपका, तब आपका जैसा आंसर रहेगा, मोल फ्रैक्शन बच्चों कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, यस या नो बच्चों, हाँ या ना। यस सर। यस सर। तो बच्चों अगर मैं इस क्वेश्चन टोटल मोल्स कैसे निकालूं बच्चों, कैसे निकालूं, इन सबको ऐड ऐड करना पड़ेगा, पी टोटल निकालना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, मैं आपको इस वे में आपको दिखा जब, तो आपको बच्चों ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। कि आपको ये पर दिखे सारे बच्चे, देखो इसका देखते हैं, ये दिख रहा बच्चों, देखो ये सबको ये पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, देखो यस सर। यस सर। जी ये मैं आपको पहला वाला बात बता दूं, देखो है ना सारे बच्चे, देखो ये क्या बच्चों यहाँ पे एन लिखा है, एन क्या बच्चों नंबर मोल्स वाला पार्ट है, ठीक है ना, ये आपका नंबर मोल्स वाला पार्ट है। तो देखो बच्चों प्रोडक्ट में क्या बच्चों है, प्रोडक्ट में आपका पी टू बच्चों, बिकॉज यहाँ पी टू बच्चों, यहाँ भी आपका पी टू बन गया यहाँ पर, है ना, पी टू बच्चों ये पार्ट है। पी टू बच्चों कैसे निकालेंगे, दिस प्लस दिस दैट इज पी पी माइनस अल्फा एन प्लस टू अल्फा एन, तो बच्चों क्या बनेगा, माइनस वन प्लस टू क्या बच्चा, पी प्लस अल्फा एन बच्चों बने, नहीं बच्चों ऐसा बनेगा बच्चों फॉर्मूला, है ना। तो आप बच गए, तो यहाँ पे आपका वन प्लस ऐड हो रहा है, देखो यहाँ बच गया, यहाँ पे आपका वन प्लस ऐड हो रहा है। तो बच्चों देखो यहाँ पे बच गया, दिखा लिखा है बच्चों, दिखा है ये पार्ट वन प्लस अल्फा। मोल फ्रैक्शन बच्चों क्या होता है, मोल फ्रैक्शन होता है बच्चों होता है मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, फॉर्म बच गया था पी आई पी टू बच्चों क्या होता है, मोल्स अपॉन टोटल मोल, टोटल मोल कितना बच्चों यहाँ पे पी टू है, तो यहाँ पी टू लिख देंगे पी की जगह पे, तो बच क्या होगा, टू अल्फा एन, अल्फा एन बच्चों यहाँ पे जगह अपॉन टोटल मोल क्या होगा, एन वन प्लस अल्फा, एन से कैंसिल बच्चों क्या बनेगा, यहाँ पे बचेगा टू अल्फा अपॉन वन प्लस अल्फा। बच्चों सेम करने दो, सेम करने यहाँ पे दिया गया है, ये आपका इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन में दिया गया है। क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले मुझे बताइए, हाँ है ना। इतना सन्नाटा है मतलब कि नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, ये बताओ। अटलीस्ट आप हैंड्स डाउन से कर सकते हो ना, जो बोले पर वो हैंड्स डाउन तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, एकदम से एटलीस्ट ये तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ज्यादा सही रहेगा, एटलीस्ट मुझे तो पता चले कि इसको आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो मत चलेगा, है ना। ठीक है एक काम करते हैं बच्चों, अभी मैं आपको पूरा अच्छे से आपको वापस समझाता हूँ, स्टार्ट करें अपने बच्चों। यस जी सारे बच्चे इक्वेशन पे ध्यान देंगे, सारे बच्चे इक्वेशन पे यहाँ पे ध्यान देंगे, क्या सबको इक्वेशन दिख रहा है बच्चों, हाँ है ना, दिख रहा होगा। यस सर दिख रहा है। तो बच्चों दो सबसे पहले तो बच्चों दो क्या किया गया, यहाँ पे देखो यहाँ पे केपी की वैल्यू दी गई है, पहला क्वेश्चन थ्री वैल्यू दिया गया था, ये मेरा क्वेश्चन बना है। अब बच्चों क्या बच्चों इनिशियल बच्चों क्या होगा बच्चों का, एन होगा और ये आपका जीरो और जीरो होगा। फिर बच्चों क्या बच्चों का कुछ टाइम बाद जब आपका इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो बच्चों क्या होगा बच्चों का, ये आपका कुछ घट जाएगा, कितना घटे बच्चों घटेगा, अल्फा एन घटेगा, तो कितना बना बच्चों, ये आपका बना अल्फा एन और ये बना आपका अल्फा एन, है ना। अगर बच्चों आप पहले समझते हो बच्चों, ऐसा बोलते हैं अगर ये आपका वन है जीरो जीरो है तो कुछ, और टाइम बाद क्या बच्चों का कुछ घटेगा, तो वन माइनस एक्स यहाँ पे एक्स और यहाँ पे एक्स बनेगा, बने बच्चों, तो यहाँ पे एक्स ले लिया बच्चों, यहाँ पे एक्स उन्होंने अल्फा एन लिया, क्यों बच्चों यहाँ पे आपका डिग्री ऑफ डिसीज दिया गया है। तो बच्चों ये पार्ट क्या, इतना पार्ट सबको समझ में आया बच्चों, हाँ है ना सारे बच्चे, यस बताओ सर। सर जी इतना पार्ट आपको समझ में आ गया, ये आपका इक्विलिब्रियम में इतना आपका बन रहा है। तो बच्चों अगर मैं आपको बोलता हूँ मुझे निकालना है टोटल, तो क्या इक्विलिब्रियम टोटल बच्चों कैसे आएगा, एन प्लस एन माइनस, देखो रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट टोटल निकालना है बच्चों,
तो एन प्लस एन माइनस अल्फाइन प्लस अल्फाइन प्लस अल्फाइन है कि नहीं, तो ये और ये कट गया तो क्या यस बचा, एन प्लस अल्फा एन बचा, बचा कि नहीं बचा, यस बच सर। गया। अब बच क्या, देखो मैं यहां से एन को कॉमन निकालता हूं, तो अगर मैंने यहां से एन से कॉमन, तो बच क्या बना, वन प्लस अल्फा बचा, ये क्या बचो, ये आपका टोटल, ये क्या बचो, ये आपका है टोटल मोल्स, होगा बच्चा, हाँ या ना, ये आपका टोटल मोल्स हो गया यस सर। जी, ये आपका टोटल बोझ बन गया। अब मेरे पास ध्यान दो, अगर मैं इस इक्वेशन का लिखता हूं केपी, है ना, तो केपी बच्चों हम कैसे निकाले, कैसे लिखेंगे, जो भी उसका पार्शियल बच्चों बच्चों का, तो हमारा जो हमारा पार्शियल प्रेशर है पी वन का, उससे उच्च फॉर्मला क्या बनेगा, आप बोलोगे नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन वन इंटू क्या बच्चों का, पी टोटल होगा, ये क्वेश्चन आएगा नहीं बच्चों का, बताओ जरा यस सर। यस सर। जी, ये आपका क्वेश्चन बनेगा। अब देखो इससे क्वेश्चन बच्चों यूज किया, देखो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे आपका दो टाइम मल्टीप्लाई, देखो 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 रहा है, मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, और पी वन क्या बच्चों, ये आपका पी वन क्या बच्चों, ये आपका पी टोटल है, मतलब कि ये जो पी टोटल क्या बच्चों घटाओ और यहाँ पे लिखो पी वन, मतलब क्या बच्चों, ये आपका पी टोटल बन गया, ऐसा आपका बना। तो देखो यहाँ पे क्या बताओ, यहाँ पे आपका क्या बच्चों, ऐसा बचोगा, अरे बच्चे देखो ये क्या बच्चों, ये आपका पी टोटल, देखो यहाँ पे लिखा है पी टोटल क्या बच्चों, ये आपका पी टू के बराबर है, पी टू क्या बच्चों, आपका पी टू के बराबर है, तो यहाँ पे भी आपका पी टू क्या बच्चों, ये आपका पी वन के बराबर होगा, केशव है ना, यस इसको आप, सर। इसको आप अभी पार्शियल पे समझो, पी वन का पी टू पे समझो, ठीक है ना। अब देखो रेट आपका प्रोडक्ट में क्या बच्चों, दो प्रोडक्ट में क्या दो बच्चों, दो ये पार्ट है अल्फा एन और ये भी आपका अल्फा एन है ना, है कि नहीं बच्चों, अरे बच्चों ऐसा है कि नहीं, देखो केपी कैसे निकालेंगे, केपी उन बच्चों कैसे निकालेंगे, आप बोलोगे एक्स जेड अपॉन, सॉरी वाई जेड अपॉन एक्स, ऐसे निकले 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 बच्चों, बताओ जरा, प्रोडक्ट अपॉन डेल्टा यस जी। अब देखो बच्चों अगर मैं केपी वो लिखता हूँ, ये क्या बच्चों, ये प्रेशर, ये आपका पार्शियल प्रेशर बच्चों, तो क्या बचोगा, पार्शियल प्रेशर क्या बचोगा, वाई का पार्शियल प्रेशर क्या बचोगा, देखो ये ऐसे लिखो पी ऑफ एक्स कैसा बचोगा, आप बोलोगे एक्स ऑफ एक्स इंटू पी वन, ऐसा होगा ना, सेम बच्चों अगर मैं लिखता हूँ पी ऑफ जेड, तो क्या बचोगा, एक्स ऑफ जेड इंटू पी वन, होगा ही नहीं होगा बच्चों, ये फॉर्मला बन गया सर। जी। अब देखो अब बच्चों क्या होता है, ध्यान दो वाई यहाँ पे दिया बच्चो, वाई का ये वाई का मोल बच्चो, वाई का मोल तो बच्चों ऐसे लिखेंगे अल्फा एन अपॉन टोटल क्या बच्चो, एन वन प्लस अल्फा इंटू क्या बच्चों होगा पी वन, पहला ये में लिखा किसके लिए बच्चों, लिखा मैंने एक्स लिखा, सॉरी वाई के लिखा, किसी ये में लिखा वाई के लिए, सेम बच्चों सेम आपका अगेन जेड भी है, जेड भी आपका अल्फा एन बच्चों, तो क्या होगा नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, कितना बच्चों एन प्लस वन प्लस अल्फा, टोटल बच्चे कितना बच्चों, आप बोलोगे पी वन, आप क्या बच्चों क्या डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर क्या बच्चों आपका एक्स है, तो बच्चों एक्स में बच्चों क्या होगा अगेन मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, तो बच्चे यहाँ पे मोल्स क्या बच्चों एन वन माइनस अल्फा, ये आपका ये आपके बच्चे एन कॉमन निकालो एन है ना, वन माइनस अल्फा अपॉन क्या बच्चों टोटल मोल्स कितना बच्चों एन वन प्लस अल्फा, फिर बच्चों क्या होगा, फिर टोटल बच्चे क्या हो, ये आपका हो गया मोल फ्रैक्शन, ये पढ़ोगे मोल फ्रैक्शन, टोटल मोल्स कितना बच्चों, ये आपका पी वन है, कि अभी आपको ये पार्ट समझ में बच्चों, कैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ सारे बच्चे एकदम यस आराम सर। से ध्यान से बताया। अब देखो अब बच्चों देखो क्या हो, देखो ये एन और ये एन कैंसिल हो गया, ये एन कैंसिल हो गया, ये एन कैंसिल हो गया, तो बच्चों क्या बचा, आप बोलोगे ये ऐसा कुछ बचा, दो अल्फा इंटू पी वन डिवाइड बाई वन प्लस अल्फा, ये मेरा बचा, ये आपका एक्स, ये आपका जेड का बचा, ये आपका जेड पार्ट है,
अब बच गया होगा जेड भी बच्चों से पढ़ गया, ये आपको आएगा जेड बच्चों होगा अगेन, उसमें ऐसा भी होगा अल्फा इंटू पी वन वन प्लस अल्फा है ना दूसरे में, तो बच्चों इन्होंने बच्चों का देखो उन्होंने इसका स्क्वायर कर दिया है। आप समझ में आ रहे कि नहीं यार सर बच्चे बताओ जरा, आप समझ में आ रहे है ना, अभी आपको समझ में आ रहा है देखो ऐसा समझो ये पार्ट क्या बच्चों देखिए। तो बच्चों मैं क्या करता हूँ, बच्चों मैं क्या करता हूँ, मैं सबका स्क्वायर कर देता हूँ देखो, डिवाइड बाय वन माइनस अल्फा अपॉन वन प्लस अल्फा इंटू पी वन। अब देखो बच्चों क्या होगा, अब मैं इसको और सॉल्व करता हूँ तो बच्चों बच्चों ऐसा कुछ बनेगा अल्फा स्क्वायर पी वन स्क्वायर और बच्चों क्या होगा वन प्लस अल्फा का होल स्क्वायर ऐसा हो गया, डिवाइड बाई वन माइनस अल्फा वन प्लस अल्फा और यहाँ पे आएगा पी, ऐसा कुछ बने बच्चों बनेगा। अब बच्चों क्या हो बच्चों देखो यहाँ पे स्क्वायर है यहाँ पी वन है तो बच्चों क्या होगा यहाँ से कटा और ये कट गया तो जो बच्चों क्या बनेगा तब आपको देखो तब आपका ये इक्वेशन बना। अभी आपको समझ आया बच्चों कि मेरा इक्वेशन कैसा बन रहा है सर बच्चे सारे बच्चे। यस सर अगेन बोलो बच्चों देखो ये आपको एग्जाम में फोकस करना है, ऐसा क्वेश्चन आएगा बच्चों बहुत टाइम लगेगा आराम से करना, टाइम वेस्ट मत करना। तो बच्चों ऐसा बना देखो ये बच्चों आपको ऐसा बना। अब बच्चों क्या आपका स्क्वायरल पार्ट है ना, अब क्या बच्चों आपका स्क्वायरल पार्ट है तो अब देख बच्चों देखो अगर मेरा एक क्वेश्चन बना बच्चों देखो तो ये आपको बच्चों ऐसा कुछ दिख रहा होगा आपको अभी अल्फा स्क्वायर इंटू पी डिवाइड बाई वन प्लस अल्फा का होल स्क्वायर डिवाइड बाई क्या है बच्चों वन माइनस अल्फा और वन डिवाइड बाई वन प्लस अल्फा ऐसा पार्ट है। अब बच्चों क्या देखो ये और ये कट जाएगा है ना क्योंकि ऊपर डिनोमीटर है तो बच्चों अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ ऐसा बनेगा इंटू वन प्लस अल्फा यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे आएगा वन माइनस अल्फा। बच्चों क्या होगा देखो ऐसा बच्चों का ये और ये कट जाएगा कट गया तो बच्चों क्या बचा आप बोलोगे अल्फा स्क्वायर इंटू पी डिवाइड बाई क्या बच्चों वन प्लस देखो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो वन स्क्वायर माइनस अल्फा के सूत्र क्या हो ये आपको बनेगा वन माइनस अल्फा स्क्वायर। देखो बच्चों यहाँ पे क्या यहाँ पे आ गया आपका बच्चों यहाँ पे क्या बच्चा देखो वन माइनस अल्फा स्क्वायर आया अल्फा स्क्वायर आया पी वन आया देखो ये हमने यहाँ पे लिखा देखो आप समझ आया बच्चों आया अच्छे से कैसे हमने किया। यस सर जी हाँ तनिका बोलो एक बार फिर से थोड़ा थोड़ा गो थ्रू करवा दो। बाप रे इसको वापस करा मतलब मेरा एक एक क्वेश्चन में आधा घंटा जी 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 बता दे को डोंट वरी बता देता हूँ। हाँ बोलो जैसिका बोलो बच्चा सर इसको एक बार सर अगर एलिमिनेशन मेथड से करो तो क्या है आपकी आवाज कट गई किसको सुना दिया गया जैसे क्या बोल रही है। हाँ बोलो वापस बोलो जैसे क्या बोली आपने एलिमिनेशन मेथड नहीं ये तो न्यूमेरिकल है ना बच्चा न्यूमेरिकल कैसे लिमिट करोगे इसको। हाँ हाँ तो न्यूमेरिकल है ना बच्चा तो कैसे लिमिट कर पाओगे नहीं कर पाओगे। हाँ अगर एमसीक्यूस में आएगा तो आप अगर आप सॉल्व करो तो आपको पता चल जाएगा। है कि नहीं कुछ और बोल रहे क्या मैक्सिम मेथड अब बच्चों मुझे पता नहीं चला आप क्या बोल रहे हो लेकिन बच्चों देखो सेम केस बच्चों हम करेंगे किसके बच्चों इसके लिए करेंगे तो बच्चों क्या आएगा आपका अगेन आपका ऐसा वैल्यू आएगा तो बच्चों क्या ये आपका केपी टू बना। आंसर क्या है इसका आंसर है इसका क्या कितना आंसर आया था बच्चों इसका हमारा 12 हाँ 12 आंसर आया था हमारा सुजल को आंसर भी याद है सर मेरे को आपने जितने क्वेश्चन कराया टिप्स पर याद है कसम से आपने यहाँ क्लास में करवाए थे ना मेरे को याद हो गया। तो देखो बच्चों देखो यहाँ पैसे बच्चों क्या देखो अब देखो अब हमें करना क्या बच्चों हमें इसका रेशियो निकालना है P1 by P2 रेशियो निकालना है तो P1 क्या बच्चों देखो ये आप P1 बता के बच्चों देखो ऐसा आएगा आप बोलोगे 3 divided 1 is equal to बच्चों क्या आएगा ये पार्ट
अल्फा स्क्वायर अपॉन ये पार्ट। अब देखो अगर आप दोनों को डिवाइड करते तो क्या होगा, देखो ये और ये कट जाएगा, ये और ये आपका कट जाएगा, तो बच्चों ऐसा आपका कुछ बनेगा, दैट इज अल्फा स्क्वायर अपॉन बच क्या होगा 4 अल्फा स्क्वायर, क्या बच्चों ये आपका होगा P1 अपॉन P2, ये कट जाए बच्चों, ये आपका जाएगा 3 4 12। आपको क्रिकल आपको एक्स अपन निकाल, एक्स अपन रेशियो गिनते हो, ये क्या बना, ये आपका बना 12 बन गया, तो आपका क्या आपका 12/1 इज इक्वल टू P1 बाई P2, तो आपको चलिए एक्स क्या बच्चों एक्स आ गया 12। तो देखो बच्चों ऐसे आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। हाँ टाइम कंज्यूम है लेकिन अगर आप थोड़ा सा एक बार 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 कर लो तो आपको समझ में आ जाएगा। इतने शांत मत बैठ रहे हो भाई, इतने शांत मत बैठ रहे हो, एक क्वेश्चन में इतना शांत थोड़ा मत बैठ। नीचे करना। ठीक है ना, इतने शांत मत बैठ रहे हो, ठीक है ना, कुछ बोलो, क्लास और इंटरेस्टिंग होना चाहिए भाई, इतना शांत होकर कैसे चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा, है ना। हाँ ये बात भी थोड़ा सा हम प्रैक्टिस ज्यादा कर, देखो अगेन बोल रहा हूँ अगर आप खुद से सोचो करो तो आपको कितना टाइम लगेगा, अगर आपका एक बेस्ट टाइम मिस्टेक हो गया तो आपको टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए आपको अगर आपको लग रहा है कि बहुत टाइम है तो उसको लीव कर देना, ये बात मैं बोल रहा हूँ। आपको हर एक क्वेश्चन नहीं करना है, आपको केमिस्ट्री में 10 न्यूमेरिकल में से खाली 5 ही करना, वही मैक्सिमम 5 करना है, ठीक है, ये टारगेट अपना हमेशा ध्यान रखना। अब देखो सेम ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था आपका इसके अंदर, क्या बोलते हैं आपका ये पार्ट में, ये दिख रहा है सबको, कुछ दिख रहा है ये पार्ट, ये आपका यस ये सर। आपका टेस्ट में पूछा गया था, न्यूमेरिकल पूछ क्वेश्चन पूछा गया था। तो बच्चों सेम अगर बच्चों अगर हम अगर हम अगर हम सेम कंडीशन यहाँ पर रखते हैं तो बच्चा हमारा क्या आया था, जो दो बच्चों देखो जो हमारा KP1 है वो बच्चों क्या आया था, अगर अगर आपको इसको याद है बच्चों क्या आया था इसका, आप बोलोगे 4 अल्फा स्क्वायर इंटू P1 डिवाइड बाई क्या था बच्चों 1 माइनस अल्फा स्क्वायर था, याद कर लो अभी एक क्वेश्चन याद कर लो, राइट है ना, एक क्वेश्चन याद कर लो, और इसका बच्चों क्या आया था KP2 बच्चों क्या आया था, आप बोलोगे KP2 का आया था हमारे पास अल्फा स्क्वायर इंटू P2 1 माइनस अल्फा स्क्वायर आया था, ये आया था बच्चों, हाँ है ना, है कि नहीं। अब बच्चों यहाँ पे क्या यस बच्चों बच्चों यहाँ पे क्या बोला गया है, अब यहाँ बच्चों यहाँ बोला गया है KP1 और KP2 डॉट पूछ क्या आएगा, ये आपका 1/9 आएगा, तो अगर बच्चों इसको डॉट पूछ क्या है ऐसा बच्चा का 1/9 इज इक्वल टू, देखो अगर मैं दोनों डिवाइड कर दूँ क्या, देखो ये और ये कट जाएगा है ना, ये और ये कट जाएगा, अल्फा और अल्फा भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चा ऐसा बनेगा 4P1 अपॉन P2 बचेगा, है ना, तो बच्चों P1 बाय P2 क्या आएगा, आप बोलोगे 1/36 आएगा, तो बच्चों क्या बोला है ये जो आंसर बच्चों क्या है बराबर बच्चों ये आपका बराबर 1/9 के बराबर, देखो ये आपका 1/9 के बराबर है, हम निकल एन एन क्या बचोगा एन आएगा 36। तो बच्चों एक काम करो, एक काम कर सकते बच्चों ये ध्यान रखो कि अगर आपको एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स y आया तो बच्चा आपका केपी क्या क्या बचाएगा, ये आपका केपी का वैल्यू आएगा, अगर जेड इक्वल टू P+Q आया तो बच्चा आपका केपी का वैल्यू क्या आएगा, ये आएगा, कुछ नहीं अगर आपको याद है तो डिवाइड कर दो आपका आंसर आ जाएगा, तुरंत आपका आंसर आएगा, देखो कल लेकर किया बच्चों देखो जरा यहाँ पर, हाँ है ना, तो ऐसे भी बच्चों आप कर सकते हो, लेकिन अगेन बोलो बच्चों रट्टा मान, यस सर। रट्टा मारने का मतलब नहीं कि बच्चों बिकॉज एग्जाम में थोड़ा चेंज करें तो आपका काम बन अलग हो जाएगा, इसलिए देखो यहाँ पे इसका आंसर आ गया, समझ रहे हैं ऐसा क्वेश्चन। यस सर। केशव, जessica, हरी, अदिति, बाकी सब अभी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा यस बच्चा, यस यस सर सर। जी ऐसा मैं बोल रहा हूँ, देखो इन्होंने भी देखो बच्चों इन्होंने सेम क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने क्या देखो किया है सेम, लेकिन बच्चों इन्होंने एक्स लिया है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है आप क्या लेते हो,
एक्स है तो क्या तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन बच्चों देखो एग्जाम में इजी क्वेश्चन भी आते हैं, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है ना? एग्जाम में इजी क्वेश्चन भी आते हैं, वो भी आप ध्यान देना। अब जैसे बच्चों देखो, जैसे क्वेश्चन दिया, देखो ये आपको क्वेश्चन दिया बच्चों देखो, अब क्या बोल दो, हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO2, मतलब मुझे CO2 निकालना है, मस्ट बी एडेड, ये बच्चों क्वेश्चन बोल दो। क्या बोलो बच्चों, जहां पे कंटेनर में क्या बच्चों ऑलरेडी आपका 3 मोल पहले से ये है और ये है, दोनों पहले 3 मोल है, तो देखो ये मेरा एक क्वेश्चन बन गया। इनिशियल के बच्चों देखो ये मेरा 3 है, ये भी मेरा 3 है, मुझे इसका वैल्यू निकालना है। एक्स के बच्चों का ये आपका 0 होगा, हमें इसका वैल्यू पता नहीं है बिकॉज इनिशियल में आपका 0 होगा। फिर बच्चों क्या बोला, देखो बोलो बोलो बच्चों, जैसे आपका इक्वल बना तो बच्चों क्या बना, ये आपका बच्चा 2 मोल बन जाएगा, तो बच्चों क्या आपको इसको माइनस करना पड़ेगा, तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 तो 2, 2 आ गया। अब जो माइनस किया आपको उसको ऐड करना पड़ेगा एक्सप्रेशन, और यहाँ पे 1 आ गया, ये आपका इक्विलिब्रियम में आपका वैल्यू आ गया। आपको क्या निकालना बच्चों, आपको अभी निकालना पड़ेगा केसी क्या होगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में बच्चों ये पार्ट है x+1 × 1 / रिएक्टेंट में क्या है 2 × 2, केसी का वैल्यू क्या दिया गया है 5, इक्विलिब्रियम क्वेश्चन वैल्यू दिया 5 दिया गया है, 5 लिखो यहाँ पर, x+1 / 4, 5 और 20, x+1 = 20, एक्स कितना आ गया 19 आ गया आपका आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, समझे बच्चों कैसे कर रहे हैं ये वाले बात, ये क्वेश्चन बच्चों देखो जरा डन में पे बच्चों जी, आप ये समझिए इनिशियली क्वेश्चन में क्या दिया। हाँ मैं मानता हूँ बच्चों जैसे आपका केमिकल काइनेटिक्स है, इक्विलिब्रियम दो अगेन बोल रहा हूँ, अगर इस बार क्वेश्चन बच्चों क्या बच्चों, दो क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा, एक आपका आएगा आयनिक से, एक आएगा केमिकल से। तो बच्चों जो आपका ये केसिल पार्ट है, ये बच्चों ये आपका आयनिक वाला पार्ट है, तो बच्चों ये मैं आपको बाद में कराऊंगा बिकॉज इसमें भी आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ज्यादा बड़ा नहीं, एक क्लास में पूरा पार्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन दो जिसमें बच्चों क्या होगा, जिसमें आपको pH वाला क्वेश्चन, ये बच्चों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम फ्रीक्वेंट पूछेंगे आपको, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है? तो बच्चों ये वाला हो गया। अब देखो अभी मैं आपको और एक क्वेश्चन कराता हूँ, क्या ये क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों? हाँ यार देखो जरा ये क्वेश्चन देखो जरा, ये सर दिख रहे हैं। एक काम करो सारे बच्चे इस क्वेश्चन ट्राई करो, ये क्वेश्चन सिंपल वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सिंपल है, ठीक है? कमेंट करो, सर इसमें ना पोल, सर क्या बोला? अच्छा इसमें पोल करने से क्या बचाएगा? वो आएगा ना अब बच्चा, क्या बता दो ना, इंटीजर सर ऑप्शन ही नहीं है इसमें, पोल क्या होगा? पोल ही नहीं होगा ना देखो। नहीं इंटीजर सर डाल दो ऑप्शन सर, डाल देना आप ना, ABCD ऑप्शन डाल देना, ठीक है? देखना फिर भी बच्चे आंसर कर देंगे। अब यहाँ पे तो बच्चे दो, अब दो सारे बच्चे, अब देखो दीपिका, देखो जैसिका, दीपिका एंड बाकी सारे बच्चे देखो, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इजी क्वेश्चन है ये, कंप्लीट इजी क्वेश्चन। देखो इसका कैसे कैसे निकले निकले बच्चों निकालेंगे, आप बोलोगे CO2 CO2H2 H2 अपॉन CO H2। ऐसा होगा। यहाँ पे इसको किसी बच्चों को डाउट है? नहीं ना, नहीं यहाँ पे डाउट नहीं है। बिल्कुल तो आपने नहीं, बोला था ये क्वेश्चन खुद करना है। हाँ खुद से करो कमा, खुद से करो कुछ करो, या मैंने, हाँ या मैंने बोले खुश हो, खुश हो कमा सर। अरे पर हमने तो किया हुआ ये हाँ बच्चा कोई बात नहीं, बाकी सारे बच्चे करने दो। स्कूल में किया है हमने। आप एक मेरे बार को तो रिवाइज सर करो याद बच्चे, भी नहीं रहा है कि स्कूल में क्लास कैसे लगती थी। हे भगवान, हम कौन सी बात कर रहे हैं? हाँ सर क्यों आज जो मॉर्निंग में एक्स्ट्रा क्लास थी 11 बजे उसमें किया है? हाँ 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 जी केशव, ये सर हो गया फोर्टी क्या आंसर आया मेरे बताओ? फोर
ठीक है, चार नंबर। अब सारे बच्चे दो यहाँ पे, दो यहाँ पे दो लिखा, दो मिक्सचर ऑफ वन मोल वाटर एंड वन मोल कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आपका पहले दिया गया है, तो ये आपका वन वन है और ये आपका जीरो जीरो है। अब बच गया हुआ, अब ये आपका इक्विलिब्रियम आ गया, तो इक्विलिब्रियम में क्या बचा हुआ आपका 40% खत्म हो गया, मतलब क्या बचा हुआ बोलोगे 0.4%। तो बच्चों क्या बचा, बच्चों इसका आंसर ऐसा आएगा 1 माइनस 0.4, ये क्या बच्चों ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, वाटर बच गया 1 माइनस 0.4, और बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड अच्छा और कार्बन डाइऑक्साइड एसओ कितना बना होगा, ये आपका बना होगा 0.4 × 0.4 0.4 H2, तो बच्चों क्या बनेगा देखो, ये आपका आएगा 0.6, ये आएगा 0.6, ये आएगा 4.4, सबका एक क्वेश्चन मिल गया, तो कैसे करेंगे 0.4 × 0.4 डिवाइड बाय 0.6 × 0.6, 4 4 16, 16 by 36। अब बच्चा अभी आपको इसको सॉल्व करने में टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, और वैल्यू के बच्चों जो भी आपका आंसर है बच्चों आपको वहां से उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर बच्चों कितना बचा है पता है, आपका आंसर आएगा 0.44 आपका आंसर आएगा, फिर आपको इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब तो आपका आंसर आ जाएगा 44। देखो जैसिका, राहुल, मितुल, निशु, साइना, काव्यांजलि, मुस्कान, नीति एंड बाकी सारे बच्चे, तन्वी, साक्षी, राहुल, नीत, जिया, ईशान, आ रहे बच्चे समझ में क्वेश्चंस? यस सर। तो ऐसा नहीं कि एकदम हार्ड हार्ड क्वेश्चन पूछेंगे, इजी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसा नहीं होगा, लेकिन मैं आपको फेस दिखा रहा हूं कि अगर आपका जेई में क्वेश्चन, तो बच्चों क्वेश्चन ऐसी पैटर्न में आएगा, ये बात भी ध्यान रखना, ये फॉर श्योर है, क्वेश्चन इसी पैटर्न में आएगा, ये आपका श्योर होगा। हाँ एग्जाम में क्या करेंगे बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे 60% डिसीट हो जाएगा, तो आपको पता चाहिए आपको, आपको वहां पे आपको -0.6 करना है, ऐसे करना पड़ेगा आपको, तब आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना? क्या बच्चों ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, सारे बच्चे देखो यहाँ पे देखो, यस सर दिख रहा है। अब बच्चों ये क्वेश्चन भी आपका जल्दी हो जाएगा, देखो PCl5 बच्चों सारे बच्चे बता देना, देखो ये आपका PCl5 है, इक्वल बच्चों क्या जगह बच्चों जगह, ये आपका जगह PCl3 + Cl2, ये बच्चों ऐसा बोला गया है ना। अब बच्चों ये मान के चलो कि पहले ये आपका था वन, मैं अज्यूम करता हूँ आपका वन था, और ये था आपका जीरो और ये भी था जीरो। अब बच्चों क्या बोले बताओ, आपको निकालना, आपको निकालना प्रेशर जब आपका 50% डिजिट हो गया, 50% मतलब बच्चों 0.5, तो बच्चों अट इक्विलिब्रियम में क्या आएगा 1 माइनस 0.5, ये कितना बच्चों बनेगा, ये आपका बनेगा, ये बनेगा 0.5, ये बनेगा 0.5, तो इक्विलिब्रियम में सबका कांस्टेंट क्या है बच्चों, सबका कांस्टेंट क्या है, मोल कितना बच्चों, ये भी 0.5 है, ये भी 0.5 है, ये भी आपका 0.5 है, सबका 0.5 है, और बोला क्या बच्चों, ये बोला गया केपी, तो बच्चों जब भी आपका केपी आया, तो बच्चों आपका आपको यहाँ पे ये फॉर्म यूज करना, दैट इज मोल फ्रैक्शन टू पी टोटल, ये आपको यूज करना पड़ेगा, आपको ये यूज करना पड़ेगा। तो बच्चों टोटल कितना है मोल से, टोटल मोल दो बच्चों यहाँ पे आपका टोटल मोल कितना है, तो टोटल मोल कितना पॉइंट बच्चों 0.5 + 0.3, सबको आपको ऐड करना, तो आपका आंसर आएगा 1.5, ये आपका टोटल मोल से, राइट ये आपको टोटल मोल से। तो बच्चों केपी कैसे निकालेंगे, आप बोलोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ पीसी, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3, पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 अपॉन PCl5, क्या बचोगा मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल, हमें टोटल प्रेशर निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन बच क्या आएगा PCl3 का, आप बोलोगे 0.5 डिवाइड बाय टोटल, तो 0.5 अपॉन मोल फ्रैक्शन, मोल्स अपॉन टोटल मोल इनटू पी, पी आपका है टोटल प्रेशर, हमें वो निकालना है, मल्टीप्लाई बाय Cl2 क्या बच्चों
उसका भी सेम बोले तो आप करो, नंबर मोल्स, नंबर मोल्स ऑफ सीएल टू अपॉन टोटल मोल्स इनटू पी डिवाइड बाय पीसीएल। क्या बच्चों उसका भी सेम वही आएगा, कितना नंबर मोल्स बच्चों? आप बोलोगे 0.5 अपॉन, बच क्या होगा 1.5 इनटू पी होगा बच्चों, यस या नो होगा? यस अब बच्चे सारे वैसे में इसको कैंसिल कर दो, क्या बचा? केपी कितना दिया बच्चों? केपी आपका दिया 1.6, तो 1.6 क्या बचोगा? 1.6 इक्वल टू क्या बचोगा होगा 5 1 5 3 जा, तो 1/3 इंटू पी, हमें निकला पी, पी बच्चों क्या होता है? ये आएगा 1.6 इंटू 3, कितना आएगा? फोर फोर पॉइंट पॉइंट एट एट आएगा बच्चों। क्या बोल रहे हो? इसका जो प्रेशर उसका वैल्यू कितना बच्चों? ये आपका एन बाय फाइव है, तो मतलब क्या बच्चों ये वाले क्या है? ये आपका वैल्यू है एन बाय फाइव के बराबर है। आपको निकल एन, एन क्या बचेगा? एन आपका आ जाएगा 4.8 इंटू 5, यहाँ पे 5 है ना जो प्रेशर, वो आपका एन बाय यस फाइव के बराबर है, तो यहाँ बच क्या आएगा 4.5 इंटू 5, 4. कितना आएगा? इसका आंसर बचा जाएगा, आ चौबीस जाएगा अराउंड कितना आएगा इसका आंसर? चौबीस, चौबीस चौबीस आ जाएगा। तो सर ऐसा ने ये है भी आपको, सवेरे करवाया था। हाँ हाँ जी ये मैंने सर, आपको, तो ऐसे आपको करना पड़ेगा। दो बच्चों जब भी आपको केपी दिखाई दे, जब भी आपको केपी दिखाई दे, आपको ये मोल फ्रैक्शन टू पी टूटर आपको कहीं ना कहीं आएगा, ध्यान देना। तो हाँ मैं बोल दो बच्चों, अभी आपको क्वेश्चन इजी लग रहा होगा, लेकिन अगेन अगर आप करोगे तो आपको हार्ड लगेगा, इससे बोल थोड़ा सा प्रैक्टिस करना। यहाँ पे इसका सोल्यूशन दे दिया बच्चों, मैंने दे दिया सारे क्वेश्चन, देखो ऑलमोस्ट बच्चों हमने सारे क्वेश्चन कर लिए, हमने खाली ये जो केसी वाला क्वेश्चन बच्चों हमने नहीं किया है, ये बच्चे बाद में करेंगे, ठीक है? अब देखो, अब देखो बच्चों ये क्वेश्चन तो इजी है, जैसे का इसका आंसर बताओ क्या आंसर आएगा? जैसे का क्वेश्चन पढ़ो जरा इसका, या कौन पढ़े, कोई पढ़ो बच्चे इसका आंसर। बच्चों क्या बोला बच्चों? बोला गया करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल इन लियोन कोच बेल्ट गिवन टेम्परेचर बच्चों, कैसे ये बच्चों? यहाँ हाँ है ना, यस सर सही है। बोथ आर ओपोजिंग अकर सेम, बोथ आर ओपोजिंग एंड सेम रेट इक्विलिब्रियम बच्चों, हाँ ये भी यस सही है। सर व्हेन इक्विलिब्रियम इज अटेंड आर गिवन टू पिक्चर द वैल्यू ऑफ ऑल पैरामीटर बिकम इक्वल, बच्चों ये गलत है। क्यों बच्चों? आपका सबका वैल्यू सेम नहीं आता, हर एक पैरामीटर बच्चों इक्वल तो नहीं होता होता। अब देखो, डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड लिक्विड द सॉलिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टेंट इज एट गिवन टेम्परेचर, तो क्या वो टेम्परेचर डिपेंड करता बच्चों? यस तो चार में से कितना आंसर आएगा? तीन आई होप। बी ये बच्चों ये स्टेटमेंट बच्चों पढ़ो तीन जरा इसको अच्छे से, ठीक है ना? तो देखो यहाँ पे इसको इसको आप रीड करना, तो क्या पता यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। देखो ये आपका 2023 से क्वेश्चन है, ठीक है ना? ये क्वेश्चन बच्चों अभी हमने किया, ये क्वेश्चन कर दिया। हाँ ये मान से तो बच्चों देखो, अगर आपका 10 न्यूमेरिकल आएगा तो बच्चों 10 में से गारंटी 3 से 4 न्यूमेरिकल आपका हार्ड ही आने वाला है। अगर आपका फॉर्मूला वाइज है तो बच्चों लंबा होगा, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन इजी है तो लंबा होगा, ये ध्यान रखना। आपको 10 में से 5 ही करने हैं और 5 में से 3 तो बहुत इजी आएगा न्यूमेरिकल सेक्शन बच्चों। 30 क्वेश्चन आने वाला है, 30 में से 20 हो गए एमसीक्यूज और 10 होगा न्यूमेरिकल, उसमें से भी आपको मैक्सिमम 5 ही करने हैं, 5 न्यूमेरिकल आपको करने पड़ेगा, तो आपका मैक्सिमम 25 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। समझे सारे बच्चे? हाँ या ना? यस सर। जी भगवान।
रहे हो सर? मतलब मैं देख रहा था क्लास का इक्विलिब्रियम हो गया 24, ये बता दो डिस्टर्ब हो डिसिप्लिन। गया सर, दरअसल इक्विलिब्रियम ना बैकवर्ड साइड शिफ्ट हो गया, जिसके अंदर बच्चे जा रहे हैं। बिल्कुल तो हमें आगे करना पड़ेगा ना, हमें ज्यादा करना पड़ेगा कैसे करें, सर। बस अब क्या आपको सिलेबस सर, डिसाइड हो गया? अब आपको सर रिएक्टेंट्स की ना कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी, जिससे इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट साइड शिफ्ट और हमारे यहाँ पे बच्चों की वृद्धि हो जाए। और दोस्त देखो जो ये देखो ये आपका समरी पार्ट है, देखो ये जो बच गया बच्चों ये कर, ये क्वेश्चन खुद से करना ठीक है ना। तो बच्चों पूरा पीडीएफ आपको भेज दूंगा मैं आपको, ठीक है ना। एंड तो सारे थॉट को आप रिवाइज करोगे एंड सेकंड है ना। देखो चले तो बच्चों हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग को ऑफ करते हैं। काफी बच्चों आज हमने पढ़ा, मैंने भी आज बच्चों हमने काफी हमने क्लास लिया। और बच्चों हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे आपका आने वाला पार्ट। तो बच्चों हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके बाय बाय बच्चों, टेक केयर। बाय बाय सर, सर, गुड गुड नाइट नाइट। सर।